हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लग्जरी काफ़ी आलीशान 3 BHK फ्लैट, जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशन में रहने वाला है और हमेशा की तरह इसकी लोकेशन उत्तम नगर मोहन गार्डन की रहने वाली है। और एल कॉर्नर का ये फ्लैट रहने वाला है और 3 BHK ये फ्लैट रहने वाला है। काफ़ी खूबसूरत और आलीशान ये फ्लैट बना हुआ है, तो मैं आपको ये पूरा फ्लैट व्यू कराने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करना, क्योंकि पूरी जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो देखना। तो मैं इस फ्लैट के बारे में आपको बताता हूं। तो इसका साइज़ रहने वाला है 70 गज का, इसका साइज़ रहने वाला है 3 BHK फ्लैट का। एल कॉर्नर का ये फ्लैट रहने वाला है। और इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 90 गज इसका कवर्ड एरिया रहने वाला है, तो काफ़ी आलीशान ये फ्लैट रहने वाला है। और इसकी एमिनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे आपको वाटर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, गैस पाइपलाइन, कार पार्किंग, आपको काफ़ी बड़ी कार पार्किंग मिलती है, लिफ्ट मिलती है, नियर बाय में आपको जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो चलिए बगैर देरी करे शुरू करता हूँ मैं आपको फ्लैट दिखाना। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको इसका लिविंग एरिया। दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लिविंग एरिया में, तो मैं दिखा देता हूं आपका लिविंग एरिया कितना खूबसूरत रहने वाला, आलीशान रहने वाला है, लग्जरी फुल्ली फर्निश ये 3 BHK फ्लैट रहने वाला है। तो लास्ट तक देखते रहें ये वीडियो। तो यहां से हमारी एंट्रेंस हो जाती है, एंट्रेंस होते ही लेफ्ट में हमें एक वॉशरूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम, काफ़ी खूबसूरत कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। एंड टू एंड तक टॉवल मिलती है, वॉल हैंगिंग शीट मिलती है काफ़ी खूबसूरत, और टैप्स और टूटियाँ आपको लगा के दी जाएंगी, अभी लगाई नहीं गई है। उसके बाद हम लिविंग एरिया में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत LED पैनल, काफ़ी बिग साइज़ का, और इसके साइड में आप देख सकते हैं PVC पैनल का काफ़ी रूफ तक काम करा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ये देखिए 3-3 ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जगह स्पेस दी हुई है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर मैं डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं इसमें, इसी तरह की जैसे यहाँ लगाई हुई हैं। और इसमें लाइट्स मिल जाती है, फोकस लैंप्स मिल जाते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और वाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका LED पैनल रहने वाला है। और इसके साथ ही राइट साइड में आपको एल कॉर्नर का 11-सीटर सोफ़ा, काफ़ी बिग साइज़ का लिविंग एरिया रहने वाला है। इतने कम स्पेस में इतना बड़ा साइज़ नहीं निकलता है, लेकिन इसमें निकाल रखा है, तो देख लीजिए 11-सीटर सोफ़ा आपको मिल जाता है, ग्रे कलर का सोफ़ा लगा रखा है, काफ़ी खूबसूरत। बीच में सेंटर टेबल मिल जाती है, उस पर भी आपको डेकोरेटिव आइटम्स लगा के दिखाई हुई है, कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं। और सोफ़े के पीछे ही वॉल हैंगिंग वॉच मिल जाती है आपको, काफ़ी डेकोरेटिव आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। और इस पर वॉलपेपर लगा रखा है, कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा था गोल्डन कलर का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब देख लेते हैं हमारी फोर सीलिंग जो है काफ़ी खूबसूरत रहने वाली है, दिखा दीजिए इन्हें, काफ़ी खूबसूरत ये फोर सीलिंग रहने वाली है, कॉब लाइट और LED लाइट्स के साथ। उसके बाद भी आपको इसमें प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क काफ़ी खूबसूरत मिलता है, देख सकते हैं, क्लासिक फोर सीलिंग, क्लासिक लुक में बनाई हुई है, काफ़ी डिज़ाइनर ये फोर सीलिंग रहने वाली है। और इसके बाद आपको एक डिज़ाइनर वॉल भी दी जाती है लिविंग एरिया में, दोनों तरफ आपको PVC पैनल का वर्क मिलता है, रूफ एंड तक, बीच में वॉल पे काफ़ी खूबसूरत POP का वर्क किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। और इसमें आपको स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत वॉल के साथ आपको सारी एमिनिटीज़ यहाँ मिलती हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आपके फर्स्ट बेडरूम में, आ जाइए मेरे साथ।
आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में, जो कि काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी बड़ा रहने वाला है। दोनों तरफ आपको अलमीरा मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत गोल्डन कलर की, और माइका लगी हुई है इसमें, देखिए काफ़ी स्पेसियस अलमीरा रहने वाली है। और नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, और ये लैंप दिया हुआ है, लैंपिंग स्पेस, और इसमें आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाती है रखने के लिए, जैसे दिखा रखा है आपको आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये बेड मिल जाता है आपको काफ़ी खूबसूरत, और इसके साथ कुल्टिंग का वर्क मिलता है, देख सकते हैं कुल्टिंग वर्क, और बीच में गोल्डन ग्लास कॉपर का वर्क दिया हुआ है, जो कि इस रूम की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। और उसके बाद इसमें फोर सीलिंग जो दी हुई है वो भी काफ़ी खूबसूरत, एलईडी लाइट्स और कॉब लाइट्स के साथ, उसके बाद प्रोफाइल लाइट का वर्क, तीन तीन लाइटों का वर्क दिया हुआ है, ताकि आपका रूम और काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लग सके। और इसमें जो फैंस हैं वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेंगे। और आ जाते हैं हम अपने रूम के एलईडी पैनल पे, तो यहाँ आप अपना काफ़ी बड़ा एलईडी पैनल लगा सकते हैं, गोल्डन कलर और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये एलईडी पैनल मिलता है। इसमें डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए भी स्पेस आपको ऊपर दिया हुआ है, और नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं इसमें स्पेसियस, जो कोई आपका वेस्ट आइटम वगैरह या कोई सामान है जो आप इसमें रख सकते हैं। और ये बेडरूम आपका बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है, मैंने आपको बताया था एल टाइप का ये फ्लोर रहने वाला है। तो इसमें आ जाते हैं हम अपनी बालकनी में, काफ़ी स्पेसियस बालकनी रहने वाली है, और इसमें भी एंड टू एंड तक टाइल्स मिल जाती हैं आपको, क्रीम कलर और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, बीच बीच में पट्टी है ब्राउन कलर की, काफ़ी खूबसूरत रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे रूम में। तो दोस्तों, सेकंड रूम में चलने से पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इस फ्लैट की किचन, जो कि काफ़ी खूबसूरत और बिग साइज़ की रहने वाली है, यू टाइप की किचन रहने वाली है, चार से पांच बंदे इसमें खड़े होकर काम कर सकते हैं। इधर आप अपनी कुकिंग कर सकते हो, इधर आप अपना वॉशिंग कर सकते हो, इधर आप अपनी चॉपिंग कर सकते हो, तो काफ़ी खूबसूरत ये किचन रहने वाली है। और इसमें जो भी टैप्स और टूटियाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड मिलेंगी, काफ़ी खूबसूरत ये किचन रहने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी और स्पेसियस किचन रहने वाली है, मॉडलर ये किचन रहने वाली है, काफ़ी बिग साइज़ की ये किचन रहने वाली है आपकी, दिखा दीजिए स्पेस इन्हें, कटलेट बास्केट, ग्रॉसरी बास्केट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाती है। और ऊपर आपको चिमनी का स्पेस मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत चिमनी इसमें लगा के दिए, ब्रांडेड चिमनी मिलती है, और वेंटिलेटेड इसमें विंडो भी है, ताकि आपको वेंटिलेशन की वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ आपका आरओ लग जाएगा, काफ़ी स्पेसियस ये किचन है। और इधर देखिए स्पेस की आपको यहाँ पे एंड टू एंड तक कोई कमी नहीं रहने वाली। और फ्रिज के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है, यहाँ आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं, बिग साइज़ का फ्रिज। तो ऐसी किचन आपको 100 गज के फ्लैट में भी नहीं मिलती, ये जो आपको 70 गज के एल टाइप कॉर्नर के 90 गज जिसका कवर्ड एरिया है उसमें मिल रही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड मास्टर बेडरूम में, काफ़ी बिग साइज़ का ये भी बेडरूम रहने वाला है, और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी फ्लैट की, इतना ज़बरदस्त तैयार करा हुआ है मास्टर बेडरूम, क्योंकि मास्टर बेडरूम जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हर कस्टमर की। इसमें आपको दोनों तरफ बिग साइज़ की अलमीरा मिलती है, अलमीरा के साइज़ की बात करूँ तो 3x8x8 की अलमीरा है, 3 फुट चौड़ाई है इसकी, 3 फुट और 8 फुट लंबाई है। इसमें आपको एक तरफ ड्रेसिंग तैयार करके दी हुई है अलमीरा में, क्योंकि जो लेडीज़ के लिए सबसे प्रायोरिटी होती है कि ड्रेसिंग उसे मिल जाए, तो घर की लेडीज़ जो होती है काफ़ी खुश हो जाती हैं, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद हम दूसरी अलमीरा देखते हैं दूसरे साइड की, तो चलिए, तो ये भी सेम स्पेस की अलमीरा रहने वाली है, काफ़ी बिग साइज़ की, काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें भी मिल जाता है। नीचे दो ड्रॉर्स मिल जाते हैं, और बीच में एक डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, और फोकस लैंप उसके ऊपर लगा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। ऊपर आपको फोर सीलिंग, काफ़ी खूबसूरत फोर सीलिंग मिल जाती है, और इसमें भी आपको एलईडी लाइट और कॉब लाइट का काफ़ी खूबसूरत वर्क मिल जाता है। इसमें येलो कलर की कॉब लाइट मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत, और इधर आपको एलईडी पैनल मिल जाता है वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, और इसमें बीच में आपको पीवीसी शीट का काम करा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डिज़ाइनर पीवीसी शीट लगी हुई है। और यहाँ आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए,
ऊपर आपको विंडो एसी के लिए प्रोविजन के लिए विंडो का स्पेस मिल जाता है, यहाँ आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। और आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। तो ये काफ़ी स्पेसियस आपका टॉयलेट कम बात रहने वाला है, काफ़ी स्पेसियस। एंड टू एंड तक हाई ग्लोसी टाइल मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत टॉयलेट शीट मिल जाती है, ब्रांडेड टॉयलेट शीट। और जो टैप्स और टूटियाँ हैं जितनी भी, वो भी आपको ब्रांडेड ही लगा के दी जाएंगी। वो अभी इसलिए नहीं लगाई गई हैं क्योंकि गंदी हो जाती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, आ जाइए। तो थर्ड बेडरूम भी हमारा काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। इसमें भी आपको बेड लगा हुआ मिलता है और बेड के पीछे आपको ग्रे कलर का वॉलपेपर मिलता है, कस्टमाइज वॉलपेपर, काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ आपको एक कंप्यूटर टेबल मिल जाती है जहाँ पे बैठ के आप अपना ऑफिस वर्क वगैरह या रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। ऊपर आपको ड्रॉअर मिल जाता है बुक्स वगैरह रखने के लिए, काफ़ी स्पेसियस। यहाँ आप अपना कंप्यूटर वगैरह लगा सकते हैं, लैपटॉप वगैरह लगा सकते हैं, नीचे भी उसके स्पेस है। और इसमें भी आपको काफ़ी खूबसूरत फोर सीलिंग मिल जाती है, फोर सीलिंग में वही सेम प्रोविज़न है, एलईडी लाइट और कॉब लाइट मिल जाती है। येलो कलर की कॉब लाइट रहने वाली है और एलईडी लाइट वाइट कलर की रहने वाली है, काफ़ी खूबसूरत। और इसके ड्रॉर्स की बात करूं तो ड्रॉर्स काफ़ी खूबसूरत रहने वाले हैं, रॉयल साइज ड्रॉर रहने वाले हैं, 8 फीट इसकी हाइट रहने वाली है और ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाला है। और जो इसके हैंडल लॉक्स हैं, ब्रांडेड लॉक्स मिलते हैं आपको। यहाँ भी आपको विंडो मिल जाती है, पूरी की पूरी विंडो, बिग साइज़ की विंडो रहने वाली है। ऊपर आपको विंडो एसी के लिए स्पेस मिल जाता है। तो ये एल टाइप का फ्लैट रहने वाला है। ये हमारी एक बालकनी और मिल जाती है, काफ़ी स्पेसियस ये बालकनी रहने वाली है। इसमें भी एंड टू एंड तक आपको टाइल्स मिलती हैं। बाहर जो फ्रंट है उस पर पीवीसी वॉल पैनल का काम करा हुआ है, पीवीसी शीट का, तो बहुत ही, और ग्रे कलर, ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ फ्रंट पे जो काम करा हुआ है। यहाँ आप साइड में अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, यहाँ आप अपनी टैब मिल जाती है, यहाँ आप अपने कपड़े वगैरह वॉश करके, अभी स्टील की एसएस की रेलिंग लगी नहीं है, जब लग जाएगी तो आप अपने कपड़े वगैरह यहीं वॉश करके यहीं सुखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 BHK फ्लैट जो कि काफ़ी खूबसूरत था, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये मैं आपके लिए आपकी डिमांड पे लेके आया था, काफ़ी खूबसूरत फ्लैट 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड। और इसके मेट्रो डिस्टेंस की बात कर लूँ तो मेट्रो डिस्टेंस इसका 1 से 1.5 किलोमीटर का रहने वाला है। और इसके पार्किंग स्पेस की बात कर लूँ तो इसमें कार पार्किंग मिलती है, लिफ्ट मिलती है। और आपको इसमें बता दूँ लोन की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप 80 to 90% लोन करा सकते हैं। और अगर आपका बजट और भी कम है तो 100% आप इस पे लोन ले सकते हैं, 100% ज़ीरो डाउन पेमेंट पे 100% लोन आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फ्लैट की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।